नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। जो जो कंपनीज के बारे में अभी बात करूंगा वो सारे कंपनीज एज ए स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मतलब एक छोटा सा कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले बहुत बार स्टडी करके ही काम करना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी हाई रिस्की होते हैं। क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होते हैं, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस आपको देंगे। अगर मार्केट बेयरिश रन में है, इसका मतलब मार्केट में करेक्शन हो रहा है, मार्केट में गिरावट हो रहा है कुछ सिचुएशन के कारण, तो सोचिएगा सबसे ज्यादा अगर करेक्शन होगा वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के ऊपर। तो आज मैं इसी सेक्टर के हिसाब से, मतलब इसी सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो मैं दो कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा। दोनों ही स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस सबसे पहले इस दोनों कंपनी के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों में जो लोग रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं मार्केट में, उसको मैं जरूर कहूंगा आप लार्ज कैप टाइप कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए, और जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो लोगों को स्मॉल कैप टाइप कंपनी को चूज करना होगा। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में निवेश करेंगे तो आप आपको एवरेज 15% से 20% के ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, मिल सकता है, कभी कभी मिल भी जा सकते हैं, मगर हमेशा ऐसा होगा आप मत सोचिएगा। तो अगर आपको मल्टीपल रिटर्न कमाना है तो आपको हमेशा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। देखिए, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात हमेशा कहा है कि अगर आपने सही टाइम में सही कंपनी को फाइंड आउट कर लिए तो आपको फ्यूचर में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो उन्होंने भी इसी तरीके से सिचुएशन को फेस किया और उन्होंने इसी तरीके से कंपनी को फाइंड आउट करके आज उन्होंने वर्ल्ड की टॉप 5 रैंकिंग में खुद को शामिल करा चुके हैं रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से। तो वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हिल यू स्लीप। तो मतलब जब आप सोते रहेंगे तब भी आपका पैसा आपको, मतलब पैसा काम करते रहे और आपको वो पैसा आपको पैसा बना के दे। तो इसलिए आपको सही दिशा ढूंढना होगा। सही दिशा मतलब आप सही रास्ता ढूंढिए। सही रास्ता मतलब आपको ऐसा काम करना होगा, ऐसा कुछ स्टॉक को पिक करना होगा जो आपको सही टाइम में आपको पैसा जनरेट करके दे। क्योंकि देखिए, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ स्टॉक को खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं, हम लोग बिजनेस को खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग जो पैसा लगा रहा है वो बिजनेस के ऊपर, अगर बिजनेस चला तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर बिजनेस डूबा तो प्रॉफिट गया। तो आपको हमेशा बिजनेस के ऊपर स्टडी करना होगा, बिजनेस के ऊपर सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बिजनेस किस तरीके से चल रहा है वो उसको देखना है, उसका फ्यूचर विजन देखना है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, वो सब कुछ चेक करने के बाद ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्यादा फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं, मैं आपको सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो आप एक एक करके सारे डिटेल्स को चेक करिए, उसके बाद काम करिए। तो फर्स्ट वीडियो जो है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अवंतल। देखिए, अवंतल के बारे में मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला, क्योंकि वर्ल्ड बेसिस बेटर टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी टू मेक द वर्ल्ड बेटर, मतलब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से सिस्टमेटिकली चेंज हो रहा है और बहुत तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है, तो जो जो कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर काम कर रहा है उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का अगर पिक्चर देखेंगे तो कंपनी सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर, रेडार सिस्टम के ऊपर, जितने सारे नेटवर्क मान के चलिए हम लोग जो देखते हैं, बहुत सारा फ्लाइट्स आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में उड़ता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, एक डेटा दिखा रहा हूँ जो एक वेबसाइट के हिसाब से, देखिए आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो किस तरीके से आपको फ्लाइट दिखेगा। इतने सारे जो चीज दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे लाइव फ्लाइट है। इसको जूम करेंगे तो देखेंगे तो हर फ्लाइट देखिए रनिंग है, ऑन गोइंग में है। इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा काम आपको फ्लाइट दिखाना नहीं है, मेरा काम है इतने सारे जो फ्लाइट चल रहे हैं आपको थोड़ा सा जूम घटाकर आपको दिखा रहा हूँ तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से वहाँ कितने सारे फ्लाइट्स यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो सोचिए, इतने सारे फ्लाइट जो रन कर रहे हैं तो इसके लिए कोई ना कोई तो सिस्टम है, कोई ना कोई तो रेडर सिस्टम है जो इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो अवंतल जो है वो इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ऐसे नहीं कि वो सारे फ्लाइट्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, इसी तरीके से कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के सैटेलाइट के हिसाब से, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स है, जो डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है, जैसे आप देखेंगे तो एयरप्लेन से लेकर
जितने सारे सबमरीन से लेकर जो शिप्स है, जो मेरीन है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है बहुत स्ट्रांग है। और मुझे मुझे इस कंपनी का सबसे जो खासियत और बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो वर्ल्ड के सबसे बड़ा एयरप्लेन बनाने वाला कंपनी है, वो है बोइंग। तो बोइंग्स के ऊपर भी काम कर रहा है। उसके साथ साथ देखिए इंडियन नेवी, साथ ही साथ जो इंडिया के इंडियन जो आर्मी है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, डीआरडीओ। उसके साथ साथ इसरो, बीआरसी, एलएनटी, इंडियन रेलवे, तो साथ ही साथ कुचिन सीपर्ड, साथ ही साथ देखें तो बीडीएल, साथ ही साथ भारत डायनामिक। तो जितने सारे कस्टमर है वो हाई प्रोफाइल एंड हाई ग्रोथेबल कस्टमर है। और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सेक्टर और ज्यादा से ज्यादा एरोस्पेस रेलवे सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के अपकमिंग कुछ टाइम्स में हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ भी कर रहा है, उस हिसाब से आगे चल के और भी ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। रही बात मार्केट कैप 2600 करोड़ के आसपास है, तो आरओसी आरओई तो बेस्ट देखने को मिला, कर्ज एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है। तो अच्छा खासा चीज आपको देखने को मिलेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस में। कंपनी लगातार खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए और इस बार कंपनी सारे हाथ पार कर दिए, 214 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल सेल किए। तो एक अलग लेवल का सेल्स यहाँ पे देखने को मिला और एक्सपेंस भी कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे करते जा रहे हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखिए लगातार बढ़ते चले गए। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिला, अलग लेवल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सीएजीआर के जो परसेंटेज है और रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी एक साल में आपको 400% के आसपास रिटर्न दिया, 450%। सोचिए एक साल में आपका फंड चार गुना। तो सोचिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर कोई व्यक्ति अगर 1,00,000 रुपए निवेश करके रखे थे तो सिर्फ एक साल में उनका फंड हो चुके हैं 4,28,000 करोड़ के आसपास, तो सॉरी 4,28,000 रुपीज के आसपास। तो इस लेवल का कंपनी ने आपको ग्रोथ दिया। तो आप सोच रहे कि सर इतना ग्रोथ हो चुके हैं, क्या और ग्रोथ हो सकते हैं? तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले देखिए रिजर्व बढ़ा, कर्जा भी थोड़ा बढ़ा, क्योंकि कंपनी को अलग अलग प्रोजेक्ट मिला इसलिए कर्जा भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। अभी कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो देखेंगे, कंपनी को इस बार हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला। जो प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो 80 करोड़ के आसपास है, जो पिछले बार से 40 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिले थे। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद डीएस ने कुछ क्वांटिटी उठाना स्टार्ट किए हैं, बाकी पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है। अभी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी थोड़ा सा रिस्की कंपनी जरूर है, फिर भी देखिए कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का सिचुएशन कहाँ पे था, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 8 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे है 327 के आसपास। अगर मैं कोविड के लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी ऑलमोस्ट 33,900% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड कोविड के लेवल से अगर किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखे थे तो उसको 40 गुना फंड हो चुके, 40 गुना। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको नजर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से डिफेंस सेक्टर को गवर्नमेंट और भी स्ट्रांग कर रहा है, डिफेंस सेक्टर के ऊपर और भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से अवंतल के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिल सकता है। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जेडिका एनर्जी लिमिटेड, तो सॉरी जोडिका एनर्जी लिमिटेड। तो जोडिका एनर्जी लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 200 करोड़ के आसपास है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, छोटे कंपनी मतलब आपको जितना तेजी दिखेगा उतना बड़ा क्रैश भी दिखेगा। इस तरीके से तेजी और क्रैश को झेल सकते हैं तो तभी इस तरीके से कंपनी को स्टडी करिए। तो फिर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का अलग लेवल का कुछ परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो सोलर रूफटॉप के ऊपर है, सोलर पैनल कंपनी बनाते हैं और कंपनी सोलर जो थर्मल जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो आप देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। टोटल कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके 10,000 से भी ज्यादा, इंस्टॉल कर चुके हैं 100 मेगावाट से भी ज्यादा, टोटल जो कस्टमर्स है इसका 10,000 से भी ज्यादा। तो कंपनी अलग लेवल में खुद का ग्रोथ कर रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंस है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो कस्टमर बेस है, आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया, साथ ही साथ जाइडस है,
उसके साथ साथ अमूल भी है। आप देखेंगे कंपनी के और भी कितने कस्टमर है, होंडा है, साथ ही साथ इंटास है, इसरो भी इसका कस्टमर है, L&T भी इसका कस्टमर है, निर्मा इसका कस्टमर है, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, साथ ही साथ टोरेंट फार्मा, टोयोटा, तो इस तरीके से बड़े इसका कस्टमर देखने को मिलेगा। तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है और उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अभी कहेंगे सर इस कस्टमर को कंपनी क्या प्रोवाइड करते हैं, तो जो 16 जो रूफटॉप लगाए जाते हैं, तो 16 सिस्टम जो लगाए जाते हैं वही 16 सिस्टम उस कस्टमर को वो लगा के दिए। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है और अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी तेजी ग्रोथ होने वाला है क्योंकि हर घर घर में सोलर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और हर इंडस्ट्रीज में आपको सोलर प्रोजेक्ट दिखेगा। क्योंकि देखिए रेलवे गवर्नमेंट भी अभी इसी तरीके से कुछ डिसीजन ले रहा है कि जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट का जो कर्सेड होते हैं तो उसके ऊपर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम लगा कर रखे हैं क्योंकि एनर्जी वो वहां से कलेक्ट करते हैं, तो इसमें एक मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल ही जाते हैं। तो कंपनी के जो बाकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का ROCE एवरेज लेवल के नीचे है, इनकम छोटा मोटा है, कंपनी भी छोटा है, डेप्थ भी थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, खुद को ग्रोथ कराने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए कंपनी को तो कर्जा होगा ही। प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है देखेंगे, कंपनी सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का एक्सपेंस भी ज्यादा हुआ और कंपनी तो कर्जा भी उठाया है तो जिसके लिए इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है जो पहले कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आज कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में आया। तो कंपनी 5 करोड़ तक प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है इस बार और कंपनी की सबसे खासियत है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सबसे बेस्ट देखने को मिला। तो एक साल में कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट में है, इसी का फायदा जिसको उठाना है तो उठा सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आप अगर कंपनीज को फायदा उठाना चाहते हैं, सस्ते दामों में शेयर को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज इसके ऊपर रिसर्च करिए, खुद की ओपिनियन भी रखिए। तो 3 साल में 117% के आसपास रिटर्न और 5 साल में 60% के आसपास रिटर्न दिया। आज ही इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर पब्लिक दोनों के पास ही होल्डिंग है, बाकी किसी FIs और DIs के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है क्योंकि इतनी छोटे कंपनी के ऊपर वो लोग निवेश नहीं करेंगे। तो इस कंपनी ने देखिए धमाका परफॉर्मेंस किया, आप देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 6 रुपीज के आसपास और यहाँ से कहाँ तक जर्नी किया कंपनी 175 के आसपास। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से यहाँ पे लंबा जर्नी दिखाया। अगर मैं कोविड के सिचुएशन से टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी 2700% के आसपास रिटर्न दे दिया, इसका मतलब कंपनी का फंड 27 गुना कर चुके हैं। तो 27 गुना से खुश मतलब ऐसे मत समझना कि 27 गुना कंपनी रिटर्न दे चुके हैं और रिटर्न नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है इस कंपनी का ग्रोथ अगर सही में सही डायरेक्शन में जाए तो कंपनी 100 टाइम्स रिटर्न दे सकते हैं, तो इसका मतलब कंपनी 10,000% के आसपास भी रिटर्न दे सकते हैं। तो बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से सब कुछ काम लेना। तो इस कंपनी का अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट प्राइस में कंपनी का प्राइस देखने को मिला है, तो कुछ सिचुएशन को आपको देखकर काम करना पड़ेगा, तो प्लीज स्टडी करके ही इस तरीके से कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।